मशीन है, 12 से 18 घंटे 24 घंटे भी कंटिन्यू चला सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से ये ताइवान की चाइनीज मशीन भी आती है, लेकिन चाइनीज हैवी ड्यूटी में नहीं होती है, उसमें दिक्कत आती है। आज इसकी डिस्पैच है, इसलिए हमने सोचा था एक छोटी सी आपको वीडियो बना के डालूँ, क्योंकि चाइनीज मशीन में बड़ी आर्च में दिक्कत आती है। ये ताइवान की मशीन है, इसलिए बड़ी आर्च की है, छोटी आर्च वाली मैंने उसी पर डाल रखी है वीडियो, ये बड़ी आर्च की है। जो इसकी जो ये हाइट है ना, ये है 1050 एम एम, और इसकी जो चौड़ाई है ये है 850। ये बड़े बॉक्स के लिए है, वैसे इतना बड़ा बॉक्स है इसके लिए है कि अपने पास भी नहीं, अपने पास भी ये देख रहे छोटे से डब्बे हैं, ये बड़े बॉक्स के लिए है। जैसे कि कूलर के होते हैं ना, कोल्ड कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, उन डब्बों के लिए ये वाली मशीन है। तो आज हमने इसकी डिस्पैच है, इसलिए सोचा था कि हमें ऐसे आपको एक वीडियो बना के हम आपको डालें, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, ताकि कभी भी हम न्यू मशीन परचेज करें तो आपको आसान हो जाए कि फीचर्स के बारे वगैरह में और कौन सी मशीनें अच्छी रहेगी, इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो और एक चीज़ और है इस मशीन में, ये मशीन 3 फेज की होती है, लेकिन हमने सिंगल फेज में किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं सिंगल फेज में किया है। ये देखिए न्यूट्रल फेज अर्थ सिंगल फेज में किया है, जो कि घर, ऑफिस, फैक्ट्री कहीं भी चला सकते हैं। और ये अब तक का हमारी ये बहुत बड़ी जीत है इस मशीन में, कि हमने बड़ी मशीन में सिंगल फेज में किया है, क्योंकि छोटी मशीन में सिंगल फेज में हो जाती थी, लेकिन बड़ी मशीन में सिंगल फेज में करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो हम और हमारी टीम ने मिलकर इसे बड़ी मशीन को सिंगल फेज में हमने कन्वर्ट कर दिया है। और इस मशीन में आप ये देखेंगे, देखिए इसमें लाइट जल रहा है, ये स्टार्ट का बटन है, इसे हम जैसे प्रेस करेंगे तो पत्ती लग जाती है, ये स्टॉप का बटन है, और इसको स्टॉप कर देंगे तो बंद होगी मशीन में करंट आएगा, लेकिन फंक्शन सारे बंद हो जाएंगे। खोल दिया, ये फीड के लिए होता है, रिवर्स फॉरवर्ड के लिए, ये मैनुअल और ऑटो, जैसे इस पर हम बटन दबाएंगे तो मशीन चलेगी, तो स्ट्रैप लगेगी, और ऑटो कर देंगे तो ऑटोमेटिक स्ट्रैप लग जाएगी। और इसमें एक चीज और भी है, हम पैर से भी इसे चला सकते हैं, देखिए डब्बा रखेंगे और पैर से जैसे इसको पुश करेंगे, डब्बा पत्ती लग गई, ये ऑन ऑफ हो गया, ऑन ऑफ हो गया। अब हम इस पे डब्बे पे पत्ती लगा के दिखाएंगे आपको। सिंपली आपको डब्बा यहाँ लाना है, फिर रखना है, और मैंने आपको बताया था कि 3 मोड से चलता है। पहला मैं आपको दिखाता हूँ पैर, ये देखिए जैसे मैं पैर से पुश करूंगा पत्ती लगेगी। दूसरा बटन, पहला आपको मैंने दिखा दिया, दूसरा तीसरा दिखाता हूँ, 3 मोड में चलता है। तीसरा है ऑटो पे, ऑटो पे नहीं मैं बटन दबाऊंगा, नहीं मैंने पैर वाली स्विच दबाऊंगा, फुट स्विच दबाऊंगा, मैंने ये ऑटो पे कर दिया। अब ये देखना पत्ती अपने आप लग जाएगी, आपको बस डब्बा रखना है, ये देखिए चलता है, पहला पैर से, दूसरा हाथ से, तीसरा ऑटो, ये देखिए टाइट लूज करने का भी ऑप्शन इसमें है, आप अपने डब्बे के जरूरत के हिसाब से टाइट लूज कर सकते हैं। सीलिंग वगैरह देख लीजिए, एक नंबर की सीलिंग है, ये देखिए।